I gave you my heart. Hello guys, welcome back to my channel. Main hu Vishakha and today I'm going to show you how to shave your face and how to make your eyebrows at home with some questions I received from some of you guys. इसके पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि शेविंग के कुछ मिथ्स हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूं। अर्लियर आई यूज टू थ्रेड माई अपर लिप्स एंड फोरहेड, बट नाउ आई हैव टोटली स्विच टू शेविंग। आई हैव गॉन थ्रू वैक्सिंग प्रोसेस ऑल्सो, बट मैंने इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए। लाइक जब आप अपने फेस को वैक्स कर रहे हो तो एवरी टाइम यू वैक्स योर स्किन विल गेट स्ट्रेच्ड एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन। इससे क्या होता है, आपके रिंकल्स आ जाना जल्दी स्टार्ट होता है, सो इट इज लाइक हैरेसमेंट ऑफ योर स्किन। यस, सो आई डोंट प्रेफर वैक्सिंग माय फेस, इंस्टेड आई शेव माय फेस। सो सम ऑफ यू गाइस आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस अबाउट शेविंग योर फेस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई वाज लुकिंग समथिंग टू गेट रीड ऑफ फेशियल हेयर एंड देन आई गॉट दिस। These are the razors I use for facial hair removal. This is the pack of 3 razors. As you can see, one I have used already. The name is like Tinkle Eyebrow Razors. It is actually eyebrow razors, but you can use this for your face. I get them from Flipkart.com. I'll share the link in the description box. I'm showing you this product so that if you see this product anywhere, so you can pick this up. So this has changed my life totally. I use this product for facial hair, and again it is very inexpensive. And let me show you the blade. It's a blade and it looks something like this. So yeah, I shave once in a week. But again, it depends on hair growth of your face. So you can do it every day. You can do it on alternate days, weekly or twice in a week as per growth of your hair. So yeah. No guys, your hair will not grow thicker and darker than usual. But yes, if you have already thicker hair, it will grow like this only. If you are doubt like मुझे डार्कर हेयर आ जाएंगे, आई ग्रो एंड मैन बियर्ड, सो यू कैन टेस्ट द लिटिल ऑन द फेस, जस्ट वेट फॉर अ फ्यू डेज एंड देन चेक वेदर ग्रोथ इज नॉर्मल और थिकर। आई एम द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ शेविंग। आई डोंट हैव मैन बियर्ड, आई डोंट हैव थिकर हेयर एज यू कैन सी। आई यूज टू शेव वंस इन अ वीक, दैट इज इनफ फॉर मी बिकॉज माई हेयर डोंट ग्रो फास्टर। नाउ आई विल क्विकली शो यू द डेमो ऑफ फेस शेविंग एंड आईब्रोज एट होम। आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आफ्टर शेव क्या करना चाहिए, प्लीज पूरा वीडियो देखो ताकि आपको सब इन्फॉर्मेशन इन डिटेल मिले। और उसके पहले आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, एंड प्लीज इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई फील गुड टू आंसर यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेमो। डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हूँ जो आपको फॉलो करने हैं आपका फेस शेव करने से पहले, सो दैट आप आगे आने वाले प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप अपना फेस क्लीन करें। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, डोंट अप्लाई एनी मॉइस्चराइजर। यू कैंट रन योर रेजर स्मूथली ऑन द मॉइस्चराइज स्किन। आई प्रेफर टू नॉट अप्लाई मॉइस्चराइजर बिफोर शेविंग। इट इज जस्ट बेयर वॉश फेस। एंड नाउ आई स्टार्ट विद द आईब्रोज फर्स्ट। आईब्रोज के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये रेजर एंड द प्लकर। मैं आईब्रोज का ये नीचे वाला पार्ट है वो प्लकर से निकालूंगी और जो ऊपर वाला पार्ट है वो रेजर से निकालूंगी। आपके फेस पे पिंपल है तो डोंट डिस्टर्ब दैट पिंपल। आपको पिंपल पे रेजर नहीं चलाना है। सो आपको करना ये है कि आपको एक आईब्रो ब्रश से अपने आईब्रोज को ब्रश करके लेना है। उसके बाद प्लकर आप यूज कर सकते हैं लाइक ऐसे।
यू कैन सी द लाइन हियर, इट इज डिफाइनिंग माई आईब्रो. सो मैंने नीचे के बाल प्लकर के हेल्प से निकाले हैं. फिर भी आपको अगर छोटे छोटे बाल नजर आ रहे हैं तो यू कैन रिमूव इट विद द हेल्प ऑफ रेजर. नाउ फॉर माई अपर आईब्रो लाइन आई विल यूज दिस रेजर. आपको जस्ट आपके अपर लाइन को पुल करके लेना है एंड आपको ऐसे रेजर को प्लेस करना है. लाइक रेजर इज स्ट्रेट एंड योर आईब्रो शुड बी इन दिस लाइन. देन यू जस्ट हैव टू पुट रेजर समवेयर हियर एंड जस्ट रन द रेजर स्लोली. यू कैन सी द क्लीन लाइन ओवर हियर. यहाँ मेरे आईब्रो में नीचे छोटे छोटे बाल रहे हैं वो मैं निकालूंगी ये रेजर के हेल्प से. यू जस्ट हैव टू प्लेस द टिप ऑफ द रेजर बिलो योर आईब्रो एंड जस्ट स्लोली रिमूव द हेयर. नाउ आई डू दिस पार्ट ऑफ माई फेस. उसके लिए मैं यहाँ प्लेस करूंगी मेरे रेजर को. और यू कैन प्लेस इट लाइक दिस ऑल्सो बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन योर आईब्रोज इज दिस एंड द रेजर इज अ बिट लॉन्गर. सो यू कैन पुट योर रेजर लाइक दिस एंड जस्ट रन योर रेजर लाइक सो. नाउ आई विल गो फॉर माई फेस शेविंग. फेस शेविंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ यही वाला रेजर. फेस शेविंग के लिए यू हैव टू पुल योर स्किन लाइक दिस एंड जस्ट रन योर रेजर स्लोली टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ योर हेयर. मैं यहाँ ऐसे जा रही हूँ लाइक सो. यही मेथड से आपको पूरे फेस को शेव करना है. चिन एरिया, चीक एरिया, लाइक आपके जॉ लाइन, अपर लिप्स एंड फोरहेड. अपर लिप्स के लिए आप अपने टंग का इस्तेमाल करके पुल कर सकते हैं स्किन को लाइक सो. नाउ आई एम डन विथ माई फेस शेविंग एंड नाउ माई फेस लुक्स मोर स्मूथ देन अर्लियर. आई डोंट नो यू कैन सी द चेंजेस और नॉट बट आई कैन फील चेंजेस. फेस शेविंग होने के बाद आपको जस्ट आपके फेस को नॉर्मल टैप वाटर से वॉश करना है. यू डोंट हैव टू अप्लाई फेस वॉश और एनी क्लींजर. यू जस्ट वॉश विथ नॉर्मल टैप वाटर एंड अप्लाई सम गुड मॉइस्चराइजर. आई होप गाइज यू लाइक द इंफॉर्मेशन रिलेटेड शेविंग योर फेस एज वेल एज मेकिंग योर आईब्रोज एट होम. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय. Stay safe, stay home.